Hello, Bichha Party. Welcome to Vedantu NEET, made easy platform. This is your master teacher, Sachin Upadhyay, your Baba SSP, your Chiku Bhaiya. First of all, Bichha Party, a Merry Christmas to all of you. आपको ढेर सारी बधाइयाँ हो. क्रिसमस का ही दिन आपके लिए खुशियों से भरा हो, ऐसी हम कामना करते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं. बेशक आज आप लोगों की लाइव क्लास नहीं है, बिकॉज आप लोगों को पता है कि बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हमारा अपना वेदांतों का जो परिवार है साउथ में, बेंगलोर में है, जिसकी वजह से सारी टेक्निकल टीम नहीं है. तो आज आप लोगों के लिए ये प्यारा सा ब्यूटीफुल वीडियो लेक्चर आप सभी बच्चों के लिए है. आए गए दिन हम जो भी वीडियोस में लाइव सेशन के अंदर आप लोगों को जब भी पढ़ाते होते हैं, या आप लोग मुझे मेल कर देते हो, या आप लोगों के इंस्टाग्राम पर ये क्वेश्चन आते हैं, अक्सर ये सवाल रहता है कि सर नीट की शुरुआत तो हमें करना है. दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जो पर्सनली डिसीजन लेकर के कहीं और जगह से पढ़ते होते हैं, और एक वो बच्चे जो YouTube के सहारे पढ़ते हैं, YT वीडियोस के सहारे पढ़ते हैं, या ऑनलाइन क्रैश कोर्स हो गया, लॉन्ग टर्म बैचेस हो गया, उसके सहारे पढ़ते हैं. पर कन्फ्यूज़न ये हमेशा रहता है कि हम कौन सी बुक ले लें सर, हम कौन सी किताब से स्टार्ट करें, या हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन हम ऐसी कौन सी किताबों से हमारा प्रैक्टिस करें जिससे हमको नीट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले. ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस आप लोगों से करने वाले हैं. ध्यान से सुनना और बने रहना, बिकॉज मैं डायरेक्टली आपको बुक्स नहीं बताऊँगा. बुक्स लेने के पीछे का जो इतिहास है, जो एनालिसिस है, जो पैरामीटर्स है, कि आप नीट को किस तरीके से सोच रहे हो, नीट की डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगी, वो सारा का सारा मैं इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेकिन स्टार्ट करने से पहले बच्चा लोग, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, सो नीचे खूबसूरत सी रेड वाली बटन है, दबा करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, बिकॉज नीट की तैयारी एंड बोर्ड की तैयारी पूरा हमारा टीम आपको बहुत अच्छे तरीके से YT पर कराती है. एंड साथ ही साथ हमारे वेदांतों का एप्लीकेशन भी है, उसे भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन. ठीक है, चलो बच्चों तो हम स्टार्ट करते हैं. बेस्ट बुक फॉर नीट 2022. ओके, तो एनालिसिस क्या कहता है? अगर हम पिछले 10 सालों का इतिहास उठाएं, मैं जब भी लाइव सेशन में आपको पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है. दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल. वैसे ही नीट में भी अच्छे रैंक लाना इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बट जितना आसान आप समझते हैं उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसका क्राइटेरिया होता है. कल एक सेशन लिया था कि 17 लाख 16 लाख बच्चे जो हैं एडमिशन लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है. टॉप 3% को ही, जो टॉप के 3% होते हैं उन्हें गवर्नमेंट में चांसेस मिलते हैं, अच्छे MBBS कॉलेजेस के अंदर जाने के चांसेस मिलते हैं. उसका एक रीज़न है कि इसका ये पैटर्न है. ज़रा ये पैटर्न देखिए, 20% 30% एंड 50%. बच्चों एनालिसिस ये कहती है कि जो 50% आपका क्वेश्चन नीट के पेपर में आता है वो ईजी रहता है, वहीं 30% जो होता है वो मीडियम होता है, और जो 20% होता है बच्चों वो थोड़ा सा टफ रहता है. अब इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हम कैसे आगे बढ़े? मतलब हम इजी किसे कह रहे हैं, हम मीडियम किसे कह रहे हैं, और हम टफ क्वेश्चन किसे कह रहे हैं? तो चलो मैं आपको वो भी समझाता हूँ, ध्यान से देखिए. बच्चा देयर नीड्स टू बी अ डिफरेंट अप्रोच टू हैंडल द क्वेश्चन ऑफ ईच डिफिकल्टी लेवल इन एग्जाम. सभी डिफिकल्टी लेवल की जो क्वेश्चन हैं उनको अप्रोच करने के हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स होने चाहिए. जैसे 50% ऑफ नीट पेपर इज ऑफ, जी बच्चों, तो 50% ऑफ नीट पेपर इज ऑफ इजी डिफिकल्टी, जैसा कि आपको पहले बताया, बेस्ड ऑन द सिंगल फॉर्मूला कॉन्सेप्ट. हम नीट के पेपर के अंदर आने वाले क्वेश्चंस को इजी उसे कहते हैं जो एक सिंगल फॉर्मूला बेस्ड पर क्वेश्चन होता है. मतलब कि क्वेश्चन है आपके सामने, सीधा एफ इज इक्वल टू के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर लगाया, कूलम्स लो, आपका आंसर. या डायमेंशन फॉर्मूला है, सीधा यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के बारे में पूछा, दैट इज आंसर. इसी तरीके से जो सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम हमारी कैटेगरी के अंदर ईजी क्वेश्चन कहते हैं. तो मीडियम किसे कहा जाता है? मीडियम कहा जाता है बच्चा लोग, 30% ऑफ नीट पेपर इज ऑफ मीडियम डिफिकल्टी बेस्ड ऑन टू सिंपल फॉर्मूला. मतलब कि जो क्वेश्चन है वो बेसिकली दो फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन होता है, दो फॉर्मूले को यूज करके बनाया हुआ जो क्वेश्चन होता है उसे हम लोग कहते हैं कि भैया वो मीडियम लेवल है. इसी तरीके से हमारा टफ क्या हो जाएगा? हम लोग टफ किसे कह रहे हैं? जो 20% है आपके पेपर के अंदर वो है बेस्ड ऑन मोर देन टू फॉर्मूलाज और द कॉन्सेप्ट. देखिए, सिंगल फॉर्मूला इजी मीडियम, टू फॉर्मूला मीडियम, मोर देन वन कॉन्सेप्ट जिसके अंदर 2 से 3 फॉर्मूले भी हो सकते हैं वो हमारा हार्ड लेवल माना जाता है. अब इन तमाम
पैरामीटर्स को टैकल करने के लिए बुक्स आपको कौन कौन सी रेफर करनी चाहिए, सिर्फ एक बुक से काम चलने वाला नहीं है, कौन सी वो किताबें होनी चाहिए, तो जरा उसे ध्यान से देखिए। तो 170 प्लस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेल वर्स्ड विल ऑल थ्री डिफिकल्टी लेवल्स, आपको ये करना पड़ेगा, तीनों डिफिकल्टी लेवल्स को डील करोगे तब जाकर के आपके 170 प्लस बनते हैं। इसके लिए आपके पास कौन से बुक्स होने चाहिए, तो सबसे पहले हम सब लोग जैसे कहते हैं ना कि किताबों के अंदर जो देवता लोग हैं, है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं खास करके नीट वाले बच्चों के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताब मानी जाती है, वो है NCERT। ऐसा देखा गया है बच्चा लोग कि कई सारे लाइन ऐसे होते हैं NCERT के, वो डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, डायरेक्ट नीट के पेपर में आ जाते हैं। सी फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के अंदर तो डिट्टो आ जाता है, जूलॉजी बॉटनी के अंदर डिट्टो आ जाता है, बट फिजिक्स में थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको जानकारी होना चाहिए, डायरेक्ट लाइन से नहीं आते, बट कई सारे एक्सरसाइज या एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। और बहुत सालों के पेपर का अगर अनुभव भी है मुझे, मैंने देखा भी है कि डायरेक्ट आपके एडिशनल का या डायरेक्ट आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन NCERT को रेफर करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई बार अपने लाइव सेशन के अंदर कहा है कि NCERT का लाइन बाई लाइन मत पढ़ो फिजिक्स में खास करके, हाँ, लेकिन NCERT की एक भी मुद्दे छूटने नहीं चाहिए। आप ये देख लो कि आप किस टीचर से पढ़ रहे हो, किस टीचर से पढ़ने में आपको मज़ा आ जा रहा है। मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं कभी भी NCERT का उठाता ही नहीं, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें पता हैं कहाँ से कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही आपको जिस भी टीचर से मज़ा आता है, स्कूल का टीचर हो सकता है, आपके ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस के टीचर हो सकते हैं, उनसे एक बार आप कंसर्न करो, उनसे आप एक बार पूछो, तो वो यही कहेंगे कि बच्चा NCERT फिजिक्स की जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको आने चाहिए, बशर्ते लाइन बाय लाइन की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि हाँ, फिजिक्स में NCERT के एक्सरसाइज और एडिशनल एक्सरसाइज से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, आए भी हुए हैं, और चांसेस हैं हमेशा हर बात आते हैं। 50% ऑफ नीट पेपर इज ऑफ इजी डिफिकल्टी बेस्ड ऑन सिंगल फॉर्मूला कॉन्सेप्ट। फर्स्ट बुक यू शुड बी वेल वर्स्ड विथ इज दैट इज योर NCERT, ठीक है। 100% नीट क्वेश्चन पेपर इज बेस्ड ऑन NCERT, इवन जो आप लोगों का मीडियम डिफिकल्टी लेवल है या जो आप लोगों का टफ लेवल की डिफिकल्टी टफ डिफिकल्टी लेवल है, वो भी बनते तो यहीं से है ना, इसीलिए NCERT को देवता मान सकते हो आप, ठीक है। चलिए अब मीडियम की बात करते हैं। तो मीडियम के लिए हम अक्सर आप लोगों को बताते हैं कि एक अच्छी सी MCQ की बुक आपके पास होनी चाहिए। उसमें कई बार तमाम मैंने मेरे लाइव क्लासेस के अंदर भी आप लोगों से जिक्र करा था, आज फिर से कह रहा हूँ, DC पांडे इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक फॉर MCQ फॉर द नीट एस्पिरेंट्स। इवन आपके पास MTG भी हो सकती है और तमाम बुक हो सकती है, बट पर्सनली मैंने इस पर बहुत समय निकाला है बच्चा, पिछले कई सालों से मैं खुद रिफ़र किया हूँ और मैं खुद यहाँ के बहुत सारे क्वेश्चंस को लाइव क्लासेस के अंदर पिक करता हूँ, और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कई सारे सवाल डायरेक्ट बन जाते हैं। इस किताब के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ बढ़ेगा। सो फर्स्ट यू शुड गो विद NCERT एंड सेकेंड यू शुड गो विद द प्रैक्टिस ऑफ DC पांडे साहब। इवन JEE मेन्स और एडवांस के सारे बच्चे जो होते हैं वो इसी किताब से ज़्यादातर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और HC वर्मा का जो वॉल्यूम 1 है वो वॉल्यूम 2 है उसे अच्छे से प्रेफर करते हैं, और उनके लिए तो कंपलसरी होता है। सो आप पीछे मत रहिए, अगर थोड़ी बहुत डिफिकल्टी लेवल मीडियम की थोड़ी सी अप होती भी है तो अगर आप इस किताब को किए रहेंगे तो वो 100% आपको आसानी से निकाल जाएगा, क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से किए हो तो वो सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। अब ये बात ध्यान से समझ लीजिए, या आपके घरों के आसपास मिलने वाली कुछ अच्छी बुक स्टोर के अंदर भी अवेलेबल होता है, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, अच्छी अच्छी वेबसाइट हैं, आप सब लोग माहिर हैं, तो इसे आज ही परचेज कर लीजिएगा और आपका बेनिफिट 100% होगा बच्चा, कई बार मैंने लाइव क्लासेस के अंदर भी बताया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जो है हार्ड लेवल, वैसे चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आप DC पांडे को ही अच्छे से रेफ़र कर लेते हो, जो इसका MCQ फॉर्मेट है, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी बच्चा, आपके पास अभी अच्छा खासा समय है तो आप थोड़ा सा एररलेस फिजिक्स की तरफ भी अप्रोच कर सकते हो। दिस इज़ यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर एररलेस बुक, बहुत बेहतरीन है। पर्सनली मुझे ये बुक ये भी बहुत पसंद आती है, उसका रीज़न ये है बच्चों कि इसके अंदर ना टॉपिक से रिलेटेड ही बहुत सारे सवाल ऐसे सेपरेटली किए होते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हो तो रिलेटिव वेलोसिटी एक बार लाइव क्लासेस के अंदर समझ लिया, फिर रिलेटिव वेलोसिटी के कम से कम से 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, और वो सारे के सारे क्वेश्चंस किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही कॉम्बिनेशन होते हैं, बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप इसे भी रेफर कर सकते हो, बहुत बेहतरीन बुक है, राइट। एंड इसके साथ साथ मेरे बच्चों आप जा सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स दैट इज HC वर्मा,
राइट, एच सी वर्मा का जो वॉल्यूम वन है, जो वॉल्यूम टू है, इसे आपको एक बार अवश्य कर लेना चाहिए। लेकिन अभी आपके पास समय है, तो जैसे जैसे दिन नज़दीक चले आएंगे, 2022 की तरफ हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, जनवरी बीत जाएगा, टर्म टू के एग्ज़ाम आ जाएगी, तब आप इस बुक को उठाएंगे, तब आपको लगेगा कि भाई साहब थ्री इडियट वाली सॉरी तारे ज़मीन पर वो थे ना ईशान साहब जो छोटे से बच्चे का रोल प्ले किए हैं, तो कैसे उन्हें ऐसे सारे अक्षर से उड़ते हुए दिखते थे, तो कुछ वैसी हालत आपकी हो जाएगी। तो उतना लंबा मत सोचिए, आप पहले ये देखिए कि आपकी एनसीईआरटी अच्छे से हो रही है, आपसे डीसी पांडे की किताब अच्छे से हो जा रही है, आपसे यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर के सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, सॉल्यूशन इनके अंदर रहते हैं, और ये सब अच्छे से हो रहा है और आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को एक स्टेप और आगे जाना है, तब आप जाकर के इस बुक को अप्रोच करें। ठीक है, इन तीनों किताबों से, आपके तीन किताब कौन कौन से, एनसीईआरटी, डीसी पांडे, यूनिवर्सल एंड ये चार हो गई, इन चार किताबों से आपके नीट में बच्चों 170 प्लस आने के फुल चांसेस हैं। इवन अगर आप स्वयं ही सेल्फ ही प्रिपरेशन कर रहे हो, सिर्फ YouTube के वीडियो लेक्चर से प्रिपरेशन कर रहे हो, घर बैठ करके कर रहे हो, तो आपके पास ये बुक्स होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड बच्चा लोग इसके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस को लगातार देख सकते हो वेदांतु नीट मेड इजी पर, हम लोग टर्म टू की भी प्रिपरेशन कराते हैं, इवन हमारी पूरी टीम, एंड साथ ही साथ आपको रात को ठीक मैं 8 से 9:30 में रोज़ लाइव क्लासेस लेता हूँ और उस वक्त आपकी नीट की तैयारी होती है। एंड बच्चा आपको ये इन्फॉर्मेशन तो कल बताई ही गई थी, आज फिर से मैं कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेदांतु के एप्लीकेशन पर क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। सर व्हाट इज दिस क्रैश कोर्स? जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, क्रैश कोर्स में बच्चा 120 सेशन होंगे और इस 120 सेशन के अंदर आप अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो जूलॉजी एंड बॉटनी सेक्शन है वो कंप्लीट आप कवर कर लेंगे। यही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं बच्चों, इसके साथ ही साथ आप अपने डाउट भी रेगुलर लाइव क्लासेस के अंदर अपने टीचर से पूछ पाओगे, जो कि आप यूट्यूब पर नहीं पूछ पाते हो। प्लस एट द सेम टाइम टीचर जो भी पढ़ाएंगे इंस्टेंटली नोट्स आपको मिल जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम 10 आपके फुल सिलेबस का टेस्ट होगा और 10 आपके पार्ट सिलेबस का टेस्ट होता रहेगा, जिससे आपकी पकड़ और भी मजबूत होती जाएगी। देखिए, रैंक लाना है बच्चों, 700 प्लस मार्क्स लाना है, तो ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और इसे आप जरूर ज्वाइन करिए, बिकॉज आप जैसे ही बहुत सारे बच्चे, यानी कि हजारों बच्चों का सपना वेदांतु के एप्लीकेशन ने पूरा किया है, वेदांतु के वेब प्लेटफॉर्म ने पूरा किया है। ठीक है, आप सब अपने बड़े भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो आपके बड़े भाई की बात जरूर सुनो, ये क्रैश कोर्स आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप कंपलसरी चाहते हो कि आपके नीट के अंदर बदलाव आए, आप चाहते हो कि नीट का रैंक आपको लाना ही लाना है, 700 प्लस लेकर के आना है, अच्छी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जाना है, सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन है बच्चों, 100% गारंटी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ऐसे रिजल्ट आते हैं ऑनलाइन क्रैश कोर्सेज से। ये बच्चे हैं, देखिए, पवित है, ऑल इंडिया रैंक 23 है, 92 है, 143 है, तमाम ये सारे बच्चे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 1100 से भी ज़्यादा बच्चों का रिजल्ट हम लोगों ने दिया है वेदांतु के वेब प्लेटफॉर्म ने, तो आप पीछे मत रहो बच्चों, ये बेहतरीन समय है। 3 से 4 दिन के बाद हो सकता है समय बहुत बीत जाए, तो ये प्राइस पंप अप कर जाए। इस वक्त आपके बड़े भाई का कोड आप लगा करके सुनीट, दिस इज योर बड़े भाई का कोड है, SUNEET, सुनीट कोड लगा करके आप जो है इस क्रैश कोर्स का हिस्सा बन सकते हो। 3 जनवरी से स्टार्ट होगा, लगभग 120 सेशन मार्च एंड तक ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब तक आपका नीट का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता, लगातार आपके रिवीजन, लगातार आपके टेस्ट सीरीज चलते ही रहेंगे, जिसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना है। आपका डाउट ये हो सकता है कि सर क्या ये फिजिक्स की प्राइस है? नहीं बच्चों, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी की है। आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, आपको मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज देयर इन जस्ट 8,000 रुपीज़। सो ज़्यादा सोचना नहीं है, इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक मिलेगा क्रैश कोर्स 2022, और आप उस पर क्लिक करोगे, आपको सारी डिटेल मिलेगी, आज ही ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ बच्चा लोग, आप हमारे वेदांतु के नीट ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। एंड यस, अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, यहां पर आप मुझे DM कर सकते हैं, स्टोरी लगा करके टैग करके बच्चा पार्टी, आप मुझसे अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप मेरी सारी बातें आपको समझ में आई है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आप YouTube के सहारे नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, बस आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए, एंड दैट इज़ डेडिकेशन, कंटिन्यूसली हार्डवर्क, सटीक प्लान और मेहनत करने का जुनून होगा तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और इसके साथ साथ बच्चा पार्टी, ये भी याद रखिएगा कि हम आपसे इस मंडे जब मिलेंगे, तब हम आपके लिए CBSE टर्म 2 का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आपका जो ऑसिलेशन वाला पार्ट 2 है वो भी खत्म हो जाएगा। ये सारे हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम से मिलेंगे।
सो जरूर ज्वाइन कर लीजिए सुनीट कोड लगा करके हमारे वेदांतु का क्रैश कोर्स. सी यू ऑल, टेक केयर बच्चा पार्टी, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल यू मॉम. जय हिंद.